दोस्तों आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे वीडियो एडिटर के बारे में जानेंगे जिसमें कि आप फ्री में बहुत अच्छे से वीडियो एडिट कर सकते हैं। और अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तब तो यह वीडियो एडिटर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह इसमें आप मल्टीपल लेयर का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कट, म्यूजिक ऐड करना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लॉन्ग वीडियो बनाना, स्टिकर सेट करना, कोई भी स्टिकर ऐड करना, यह एक प्रोफेशनल ऐप्स है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से वीडियो एडिट कर सकता है। अगर आप इस ऐप्स को शुरू शुरू में भी यूज करोगे तब भी आप इसकी को बड़ी आसानी से यूज कर पाओगे। यह वीडियो एडिटर आपको प्ले स्टोर में हाई रेटिंग के साथ भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि इसे बहुत सारे लोग भी यूज करते हैं। तो इस वीडियो एडिटर के बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैं हूं हीरा, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। इस ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है यूकट वीडियो एडिटर। इसके बाद आपको यह वीडियो एडिटर देखने को मिल जाएगा। यह आपको 4.6 रेटिंग के साथ मिल जाता है। इसमें आपको 100 मिलियन प्लस डाउनलोड भी देखने को मिल जाता है। आप इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो चलिए मैं सिंपली चलता हूँ अपने वीडियो एडिटर पर। तो सिंपली मैं आ गया अपने वीडियो एडिटर पर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको प्लस पर क्लिक करना है और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। आपको शुरू में ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रिम में आपको ट्रिम, कट, स्प्लिट, ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ट्रिम, स्प्लिट, स्पीड बढ़ाने का, वॉल्यूम बढ़ाने का, एनिमेशन करने का, क्रॉप करने का, रिप्लेस भी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसका वॉइस चेंज कर सकते हैं, आप इसका कॉपी बना सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको फ्रीज कर सकते हैं, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये तो रहा ट्रिम का ऑप्शन। इसके बाद म्यूजिक में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको म्यूजिक मिल जाएगा कुछ, जिसे कि आप यूज कर सकते हैं या आप अपने डिवाइस से भी आप म्यूजिक ऐड कर इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको म्यूजिक पर जाना है और इसके बाद आपको माय म्यूजिक पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोकल म्यूजिक या एक्सट्रैक्ट ऑडियो मतलब कि आप किसी वीडियो के द्वारा आप ऑडियो एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहां से आप वो भी कर सकते हैं। आपको यहां पर तीसरे ऑप्शन मिल जाएगा जहां से कि आप कई तरह के इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि एनिमल का आवाज़, बेल्स का आवाज़ और ऐसे कई तरह की आवाज़ मिल जाएंगे जिसे कि आप यूज कर सकते हो। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है फिल्टर, जहाँ से कि आप बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हो। इसमें से कुछ फिल्टर आपको प्रीमियम है, जिसका कि आप यूज प्रीमियम में ही कर सकते हो। अदर चॉइस है कि आप इसमें से आप फ्री का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हो। फ्री में आपको ऐसे कई फिल्टर मिल जाते हैं जिसका कि आप आसानी से यूज कर सकते हो। आप यहाँ से फिल्टर लगा कर यहाँ से आप अपना लाइटनेस, कंट्रास्ट, बॉम, टिंट, ये सब आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है इफ़ेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको कई सारे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं जिसका कि आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है इफ़ेक्ट का, यहाँ से आपको कई तरह के इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आपको इफ़ेक्ट का यूज करने के लिए आप उस इफ़ेक्ट को लॉन्ग प्रेस करना होगा, इसके बाद वह इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप इस इफ़ेक्ट को लगाना नहीं चाहते तो यहाँ पर आपको सिंपली डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ से आप इस इफ़ेक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में आपको यहाँ पर आपको टेक्स्ट कर लिखने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से कि आप लिख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट और इस यहाँ से आप उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आपको कई तरह के फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये और इसके बाद आप एनिमेशन का यूज कर सकते हैं, फेड इन, जूम इन, जूम आउट और ऐसे कई तरह के एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका कि आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन है स्टिकर का, जहां आप इमोजी व जीआईएफ का यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अदर चॉइस, आपके मोबाइल में अगर कोई स्टिकर है तो आपको स्टिकर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्लस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सीधे यह मोबाइल इमेजेस पे ले जाएगा, जहाँ से कि आप स्टिकर बना सकते हो, जिस तरह की ये कोई स्टिकर मैंने बनाया है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है
PIP का, जिसमें कि आप कोई भी वीडियो या फोटो चुन सकते हो, जिससे कि बताना है कि आप इस तरह से इमेज के बैकग्राउंड को हटा सकते हो। तो आप इसके ऊपर कोई ऐसा इमेज ला सकते हो इस तरह से, और आप बता सकते हो कि इस तरह से आप इसके बैकग्राउंड को हटा सकते हो। तो मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है स्पीड का, जिसमें से कि आप इसका स्पीड बढ़ा या घटा सकते हो। तो मैं, चलिए मैं इसका स्पीड पहले जैसे कर देता हूँ, ये रहा। और इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको बैकग्राउंड चेंज करने का, जहाँ से कि आप अपने बैकग्राउंड, ये वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट या यूट्यूब के लिए, आप इसके अलावा अदर चीज़ के लिए चेंज कर सकते हो। और अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको रिकॉर्ड ऑडियो का, जहाँ से कि आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ से आपको वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से कि आप अपने ऑडियो के वॉइस को भी चेंज कर सकते हो। और इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम घटाने का, बढ़ाने का, आपको इस वीडियो को रोटेट करने का, और इसके बाद भी आपको फ्लिप करने का, इसके बाद आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसका आप यूज कर सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह वीडियो एडिटर आपके लिए बड़ा ही सिंपल है, और आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो। मैं इस वीडियो एडिटर को बहुत सालों से यूज करता आ रहा हूँ, ऐसे में मुझे यह वीडियो एडिटर बहुत ही पसंद आया, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो एडिटर आपको भी पसंद आएगा। तो इस वीडियो एडिटर को आप जरूर से यूज कीजिए, ट्राई कीजिए, और फिर बाद में कमेंट कर बताइए कि आपको यह वीडियो एडिटर कैसे लगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि इस वीडियो की जानकारी उन्हें भी मिल सके। और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।